In this video, we will be doing the question answers of chapter 5 of English class 7. The name of the chapter is Quality. Let's see the first question. Question 1 is, what was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? यानी जो लेखक हैं उनका बूट मेकर के प्रति क्या ओपिनियन था या वो क्या सोचते थे बूट मेकर के बारे में. इसका आंसर है द ऑथर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद मिस्टर गेसलर एज पर हिम मिस्टर गेसलर मेड द बेस्ट बूट्स एंड दोज बूट्स परफेक्टली फिटेड द कस्टमर्स. जो ऑथर हैं लेखक जो हैं वो बहुत ही इम्प्रेस थे यानी प्रभावित थे मिस्टर गेसलर से और ऑथर के हिसाब से यानी लेखक के हिसाब से जो मिस्टर गेसलर हैं उन्होंने वो हमेशा बेस्ट बूट बनाते थे यानी सबसे बढ़िया जूते बनाते थे और वो जूते बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिट होते थे बिल्कुल सही फिट होते थे और सभी कस्टमर्स के लिए. हिज बूट्स हैड द बेस्ट क्वालिटी मटीरियल एंड लास्टेड लॉन्ग. तो उनके बनाए हुए जो जूते थे वो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी उनका मटीरियल बेस्ट था और वो बहुत लंबे चलते थे जूते उनके जो बनाए हुए थे बहुत दिनों तक चलते थे. क्वेश्चन 2 है व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली. यानी जो लेखक हैं वो ये जूते बनाने की शॉप में जल्दी जल्दी क्यों नहीं जाते थे बहुत देर से क्यों जाते थे कभी कभी जाते थे बहुत कम जाते थे. तो इसका आंसर है द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज द बूट्स मेड बाय मिस्टर गेसलर गेसलर ब्रदर्स लास्टेड टू लॉन्ग. तो इसका आंसर है कि जो ये ऑथर हैं लेखक जो हैं वो बहुत कम जाते थे बहुत देर में जाते थे उनकी दुकान में बहुत ही कम जाते थे क्योंकि उनके बनाए हुए जो जूते थे मिस्टर गेसलर के या गेसलर ब्रदर्स के वो बहुत दिनों तक चलते थे उनको जाने की उनकी दुकान में बार बार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि अगर जूते फटेंगे नहीं तो आपको नए बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. क्वेश्चन 3 है व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गेसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स. तो ये जो जब ये क्वेश्चन है कि मिस्टर गेसलर के ऊपर क्या वो जो मिस्टर जो ऑथर हैं लेखक हैं उन्होंने जो एक एक जोड़ी जूतों के बारे में जब मिस्टर गेसलर को कुछ कहा तो उनको क्या प्रभाव पड़ा मिस्टर गेसलर के ऊपर उस बात का. मिस्टर गेसलर एट फर्स्ट फाउंड द रिमार्क अनबिलीवेबल. यानी मिस्टर गेसलर ने वो जो ऑथर ने जो रिमार्क दिया था लेखक ने जो कुछ बोला था जूतों के बारे में मिस्टर गेसलर को लगा ये हो ही नहीं सकता. ही आर्ग्यूड दैट द ऑथर माइट हैव गॉट देम वेट बिकॉज ही वॉज शॉक्ड. तो जो ऑथर को मिस्टर गेसलर को ये लगा कि शायद ऑथर ने या लेखक ने उन जूतों को भिगा दिया होगा जिसकी वजह से वो जूते खराब हो गए और मिस्टर गेसलर को अभी भी मतलब शॉक लग गया कि वो जूते खराब कैसे हो सकते हैं उनके बनाए हुए. ही टोल्ड द ऑथर दैट ही विल ईदर रिपेयर देम और एडजस्ट द मनी इन हिज बिल्स. उन्होंने लेखक को बोला मिस्टर गेसलर ने जो जूते बनाने वाले हैं उन्होंने लेखक को बोला कि या तो वो उनके जूतों को रिपेयर कर देंगे या फिर उनके जो पैसे हैं वो उनके बिल में एडजस्ट कर देंगे उनके पैसे यानी उनके जूतों के पैसे जो हैं उस जोड़ी के जूतों के पैसे वो वापस कर देंगे. क्वेश्चन 4 है व्हाट वाज मिस्टर गेसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स FIRMS फर्म्स. यानी मिस्टर गेसलर की जो ये बड़ी बड़ी फर्म होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं सामान बनाने की उनके बारे में क्या कंप्लेंट थी. तो मिस्टर गेसलर जो कंप्लेन दैट द बिग फर्म्स डिड नॉट वैल्यू द मनी ऑफ द कस्टमर. मिस्टर गेसलर का कहना था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो जो कस्टमर के पैसा होता है उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं देती मतलब उसकी मतलब उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दे आर कैप्चरिंग द मार्केट्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट. वो जो है मार्केट में कस्टमर्स को कैप्चर कैसे कर रहे हैं कस्टमर को अपनी तरफ कैसे रुझा रहे हैं एडवर्टाइज करके एडवर्टाइजमेंट से एंड नॉट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. और उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क के कारण नहीं यानी उनका जो काम है वो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन वो क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इसलिए लोग उनकी तरफ जा रहे हैं.
उनसे सामान खरीद रहे हैं। ही वॉज मोस्टली आउट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ दोज फर्म्स एंड डे बाय डे द वॉल्यूम वॉज गेटिंग रिड्यूस्ड। मिस्टर गैसलर का काम उन्हीं की वजह से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था और धीरे धीरे और भी कम हो गया, क्योंकि वो ज़्यादातर उनके जो कस्टमर है वो एडवर्टाइजमेंट को देख के बड़ी कंपनियों से सामान खरीदने लग गए, जूते खरीदने लग गए। क्वेश्चन फाइव है, व्हाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड देम? कि जो लेखक हैं उन्होंने खूब सारे जूते एक साथ क्यों खरीदे, क्या उनको सच में इतने जूतों की जरूरत थी? तो आंसर है, द ऑथर फेल्ट बैड फॉर मिस्टर गेस्लर हु वॉज रियली टैलेंटेड एंड मेड ग्रेट बूट्स। ये लेखक हैं उनको बुरा लग रहा था कि मिस्टर गेस्लर जो कि इतने टैलेंटेड हैं, यानी उनकी उनका काम बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छे जूते बनाते हैं, इसलिए उन्होंने ही ऑर्डर्ड सो मैनी पेयर्स टू हेल्प द बूट मेकर, इसलिए उन्होंने जो है जो ये मिस्टर गैसलर हैं जूते बनाने वाले उनकी मदद करने के लिए बहुत सारे जूतों के जोड़ी एक साथ ऑर्डर कर दी। और अगला था, डिड ही रियली नीड देम, क्या उनको सच में जरूरत थी? इसका आंसर है, नो ही डिड नॉट रियली नीड देम, उनको सच में इतने सारे जूतों की एक साथ जरूरत नहीं थी। तो ये तो क्वेश्चन आंसर हो गए, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, वर्किंग विद द लैंग्वेज। इसमें क्वेश्चन वन है, द स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स। ये कुछ फ्रेज दिए हैं और उनके मीनिंग्स पढ़ने, यूज देम अप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट, उनको यूज करें अगले जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भरें। द सेंटेंसेस दैट फॉलो, लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, मतलब देखभाल करना। लुक डाउन का मतलब होता है डिसअप्रूव और रिगार्ड एज ऑन इन्फीरियर, यानी तुच्छ समझना, यानी छोटा समझना किसी को, अपने आप से या छोटा समझना किसी के काम को, छोटा समझना। लुक इन, मेक अ शॉर्ट विजिट, मतलब किसी को जा करके मिलना, विजिट करना किसी को। लुक इन टू, इन्वेस्टिगेट, लुक इन टू का मतलब होता है पता करना उसके बारे में, इन्वेस्टिगेट करना, तहकीकात करना। लुक आउट, लुक आउट का मतलब बी केयरफुल, यानी ध्यान रखिए। लुकअप, लुकअप का मतलब होता है इम्प्रूव करना, यानी सुधारना। टू लुक अप टू का मतलब होता है एडमायर करना, यानी कि उनको मानना या प्रशंसा करना। तो अभी ये जो शब्द हैं इनको हमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन के यूज करना है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं इनमें यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज डैश एट लीस्ट, एट लास्ट, तो इसमें आएगा इम्प्रूव, इम्प्रूविंग मतलब लुकिंग अप। ये सेकेंड पार्ट है इसका, वी हैव नो राइट टू डैश पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स, तो इसमें आएगा लुक डाउन, यानी तुच्छ समझना, यानी हमें जो लोग छोटा काम करते हैं उनको हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए, लुक डाउन। नितिन हैज ऑलवेज डैश हिज अंकल हु इज अ सेल्फ मेड मैन, लुक्ड अप टू, यानी एडमायर करना या प्रशंसा करना। नितिन हमेशा अपने अंकल की प्रशंसा करता है जो उन्होंने खुद अपने आप को बनाया है, यानी अपना अपना आपको संवारा है, अपने कैरेक्टर को संवारा है। द पुलिस आर डैश द मैटर थोरली, तो इसमें आएगा लुकिंग अप, लुकिंग इनटू द मैटर, लुकिंग इनटू द मैटर, यानी कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ यू वॉन्ट टू गो आउट आई विल डैश द चिल्ड्रन फॉर यू, तो इसमें आएगा लुक आफ्टर, यानी मैं उनकी देखभाल करूंगी, करूंगा, लुक आफ्टर।
आई प्रोमिस टू डैश ऑन योर ब्रदर वेन आई विजिट नेक्स्ट। तो इसका मतलब है लुक इन इसमें आएगा, और लुक इन का मतलब होता है मैं उनको जाके विजिट करूंगा आपके ब्रदर को जब भी मैं लखनऊ जाऊंगा। डैश व्हेन यू आर क्रॉसिंग द रोड, इसमें आएगा लुक आउट, यानी ध्यान से देखें जब आप सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के सभी आंसर्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन टू है इसका, रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली। ये कुछ शब्द दिए हैं जो लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी साउंड में थोड़ा सा फर्क होता है। इसको बोलते हैं कॉट, और ये है कोट, कॉस्ट, कोस्ट, टॉस्ट, टोस्ट, गॉट, गोट, रॉट, रोट, ब्लॉट, ब्लोट, नॉट, नोट। तो ये शब्द हैं, आप इन ये वर्ड्स को आप डिक्शनरी में जरूर देखें और इनके मीनिंग भी फाइंड आउट करें, बट इनका प्रोनाउंसिएशन वही है जो हमने आपको अभी बोल के बताया है। ये क्वेश्चन थ्री है, ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन द साउंड श एज इन शाइन इन द बिगिनिंग और इन द मिडिल और एट द एंड। तो ये जितने भी शब्द दिए हैं, ये वाले शब्द, ये सभी शब्द के अंदर श की साउंड आ रही है, यानी श की आवाज आ रही है, या तो बीच में या शुरू में या एंड में। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्पीक आउट ऑल द वर्ड्स क्लियरली, देन अरेंज द वर्ड्स इन थ्री। वो पहले तो आप ये शब्द सबको क्लियरली बोलें इन शब्दों को, और फिर जो जिनमें श शुरू में आ रहा है उनको अलग लिखें, उसको बोलेंगे इनिशियली आ रहा है, इनिशियल श आ रहा है, और जिनमें बीच में आ रहा है उनको बोलेंगे मीडियल, और जिनमें लास्ट में आ रहा है उनको बोलेंगे फाइनल। तो जैसे कि शीप है, शीप, SHEEP, शीप, शीप में शुरू में आ रहा है तो शीप यहां आ जाएगा। ट्रैश, TRASH, जो ट्रैश है ये इसका मतलब, ये लास्ट में आ रहा है श, बिल्कुल लास्ट में है SH, तो ये आ जाएगा यहाँ फाइनल में, यानी सबसे एंड में जो आ रहा है, जिनके एंड में श आ रहा है वो फाइनल में लिखे जाएंगे, ट्रैश। उसके बाद में मार्श, मार्श भी आ रहा है, इसमें भी श एंड में आ रहा है, श की जो आवाज आ रही है, तो इसमें भी MARSH, मार्श एंड में आ जाएगा। फैशन, फैशन में ये श जो है बीच में आ रहा है, ये SH, तो फैशन बीच में आ जाएगा, यानी मीडियल फैशन। उसके बाद एंक्शियस, एंक्शियस में भी श जो है बीच में आ रहा है, तो यहाँ लिख दें एंक्शियस। ये एंक्शियस वर्ड में SH नहीं है लेकिन X है, X और I मिलकर के, N X और I मिलकर के श की आवाज आ रही है, X और I मिलके, इसलिए इसको एंक्शियस बोलते हैं। श्रीक, श्रीक में श जो है शुरू में है और इसकी आवाज शुरू में आ रही है, तो इसको लिखेंगे श्रीक, शुरू में आ जाएगा फर्स्ट इनिशियल वाले में। शोर, शोर में भी SH जो है शुरू में है, तो इसको भी पहले वाले में लिख देंगे शोर। उसके बाद फिश, फिश में श एंड में आ रहा है आखिरी में, तो ये यहाँ आ जाएगा लास्ट में। उसके बाद पोर्शन, पोर्शन श जो है इसमें भी बीच में आ रहा है, हालांकि TION है लेकिन इसमें आवाज TION में भी आवाज श की आ रही है इसमें, पोर्शन, ये पोर्शन जो है इसको हम बीच में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे PORTION, पोर्शन। एशेज, एशेज, तो श की आवाज इसमें भी बीच में आ रही है, इसलिए ये भी बीच बीच में आएगा, ASHES। उसके बाद है श्योर, श्योर, श्योर में श की आवाज शुरू में आ रही है, हालांकि एस है लेकिन इसको श्योर बोलते हैं, श्योर। नेशन, नेशन में भी TION है, तो TI से ON को शन की, में शन की आवाज आती है और आवाज बीच में आ रही है बिल्कुल, तो इसलिए ये भी
बीच में लिखा जाएगा, नेशन। उसके बाद शू, शू जो है श की आवाज शुरू में आ रही है शू में, तो इसलिए शू SHOE यहाँ लिखा आएगा इनिशियल वाले में। पुशिंग, पुशिंग में श की आवाज बीच में आ रही है, तो हम लिखेंगे PUSHING, पुशिंग। उसके बाद पॉलिश, पॉलिश में श की आवाज एंड में आ रही है, POLISH, पॉलिश। और मोस्टैचेस, तो श की आवाज बीच में आ रही है इसमें, मोस्टैचेस MOUSTACHE, मोस्टैच। तो ये श की आवाज बीच में आ रही है, तो उसको भी यहाँ लिखेंगे MOUSTACHE, मोस्टैच। तो ऐसे हमने उनको, इन शब्दों को अलग कर दिया किस बेसिस पर, कि जिसमें शुरू में शाह की आवाज आ रही है, जिसमें बीच में शाह की आवाज आ रही है, और जिसमें आखिरी में शाह की आवाज आ रही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप ये आंसर ना देखें, ये आंसर सही नहीं दिया है, ये आंसर सही है। ये क्वेश्चन 4 है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स छ, CH, चा की आवाज आ रही है, जैसे कि चेयर में चा की आवाज आ रही है, CH, चेयर में चा की आवाज आ रही है। द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट हैव दिस साउंड इनिशियली, जो ये शब्द लिखे हैं, ये शब्दों में शुरू में चा की आवाज आ रही है, चूज, चाइल्ड, चीज, चेयर एंड चार्मिंग, इसमें सब में शुरू में च की आवाज आ रही है। दोज ऑन द राइट हैव इट फाइनली, जो ये वाले लिखे हैं शब्द, इनमें चा की आवाज एंड में आ रही है, बेंच, मार्च, पीच, रिच, रिसर्च, इसमें सबकी आवाज जो है चा में आ रही है, और ये CH लास्ट में है। स्पीक ईच वर्ड क्लियरली, तो ये हमने क्लियरली स्पीक कर दिया है। अब है नेक्स्ट पार्ट है इसका, अंडरलाइन द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग दिस साउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये नीचे जो शब्द दिए हैं, इनमें जहां पर चा की आवाज आ रही है, उन शब्द, उन अल्फाबेट्स को, उन लेटर्स को अंडरलाइन करना है। जैसे फीचर है, फीचर में CH नहीं है, लेकिन फिर भी च की आवाज आ रही है, फीचर, चर, तो TU से च की आवाज आ रही है, TU से च की आवाज आ रही है। ऐसी आर्चरी में च, आर्च, तो CH की आवाज यहाँ आ रही है, लेकिन इसमें CH ही है। ऐसे पिक्चर है, PICTURE, पिक्चर, तो इसमें भी TU की आवाज आ रही है, पिक्चर। रीचिंग में CH है, बीच में है। नेचर में, नेचर में नेचर, चर की आवाज आ रही है, तो TU से आ रही है नेचर की आवाज। मैचेस में CH है, और इसीलिए CH की च की आवाज आ रही है। रिचेज में CH है, इसलिए CH की आवाज आ रही है। बैचेज में, बैच में लास्ट में CH है, इसलिए इसकी आवाज आ रही है। और चर्च में, चर्च में शुरू में भी CH है, ये शुरू में CH है चर्च में, और एंड में भी CH है चर्च में, तो इन दोनों की वजह से च और च की आवाज आ रही है। तो ये हमने अंडरलाइन कर दी है, जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया था, अंडरलाइन द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग दिस साउंड, यानी च की जो, जिन शब्दों में आवाज आ रही है नीचे, जहां पर आवाज आ रही है, उस लेटर को अंडरलाइन करना है, उन लेटर्स को। तो हमने ये कर लिया है। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे जो कि NCERT बुक में है, स्पीकिंग के बेस पर। डू यू थिंक मिस्टर गेस्लर वॉज अ फेलियर एज अ बूट मेकर और एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन? कि आपको क्या लगता है कि जो मिस्टर गेस्लर थे, वो एज अ जूते बनाने वाले जो हैं, वो उनका काम अच्छा नहीं था, या वो उनका बिजनेस करने का जो तरीका था वो अच्छा नहीं था? तो मिस्टर गेस्लर वॉज सक्सेसफुल एज अ बूट मेकर, मिस्टर गेस्लर थे जो जो एज अ जो जूता बनाने वाले थे, वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे, बिकॉज हिज कस्टमर्स वर इमेंसली सेटिस्फाइड विद द बूट ही मेड, क्योंकि उनके जो कस्टमर थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था उनके जूते पहन करके, जो वो जूते बनाते थे, और वो उससे सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे उनके जूतों से। हिज शूज परफेक्टली फिट देम एंड लास्टेड लॉन्ग, उनके बनाए हुए जूते, मिस्टर गेस्लर के बनाए हुए जूते, उनको बिल्कुल एकदम फिट आते थे, परफेक्टली फिट होते थे, और बहुत दिन चलते थे, बहुत लंबा चलते थे, लास्टेड लॉन्ग का मतलब है। बट मे बी ही वॉज अ फेलियर एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन, लेकिन शायद वो एज अ बिजनेसमैन कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखा जाए तो, मार्केट के हिसाब से वो फेल हो गए, यानी उनको काम, मतलब बिजनेस करने का तरीका शायद उनका
अच्छा नहीं था। ही डिड नॉट हैव मनी लाइक द बिग फर्म्स, सो ही कुड नॉट इन्वेस्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट। उनके पास बड़ी कंपनियों के जैसे पैसे नहीं थे, इसलिए वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सके, यानी अपने काम का प्रचार नहीं कर सके। ही लॉस्ट हिज बिजनेस टू देम, और उन्होंने अपनी बड़ी जो बड़ी कंपनियां थी उनके सामने इनका बिजनेस फेल हो गया। ही टुक टाइम इन डिलीवरिंग द बूट्स बिकॉज ही मेड देम अलोन, वो जूते बनाने में ज़्यादा टाइम लेते थे एक और देने में बना करके, क्योंकि वो अकेले काम करते थे। ही लॉस्ट हिज कस्टमर्स बिकॉज ऑफ द डिले इन डिलीवरी, तो उनके जो कस्टमर्स थे वो इसलिए उनको छोड़ कर चले गए क्योंकि ये जूते बनाने में ज़्यादा टाइम लेते थे और जूतों की जो बना करके देने में ज़्यादा डिले कर देते थे डिलीवरी देने में। ही वर्कड हार्ड स्ट्राइविंग फॉर लॉन्ग आवर्स, वो बहुत मेहनती थे, मेहनत करते थे और काफ़ी लंबे लंबे दिन काफ़ी समय तक काम करते रहते थे रोज। वट एवर ही अर्न्ड वेंट ऑन पेइंग द रेंट फॉर हिज शॉप, जो भी वो पैसा कमाते थे वो उनकी जो दुकान थी उसका रेंट पे करने में लग जाता था, एंड फॉर बाइंग लेदर्स, और जो वो लेदर खरीदते थे, चमड़ा खरीदते थे उसमें लग जाता था। ही स्पेंट डेज ऑफ ग्रेट पेन्यूरी, यानी उनके जो दिन थे वो बहुत ही गरीबी में बीते। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका क्वेश्चन टू है स्पीकिंग पार्ट का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, टू हु और टू व्हाट डज इट रेफर, जो ये चैप्टर है इसका जो टाइटल है यानी शीर्षक है, जो इस कहानी का शीर्षक है क्वालिटी, वो क्या क्या दर्शाता है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या बताता है। टू हु और टू व्हाट डज इट रेफर, ये किसको या किस चीज के बारे में जो टॉपिक है शीर्षक है वो है। द टाइटल रेफर्स टू द ग्रेट क्वालिटी बूट्स मिस्टर गेसलर मेड, जो ये शीर्षक है टाइटल, ये जो अच्छी क्वालिटी के जूते बनाते थे मिस्टर गेसलर उसके बारे में है जो शीर्षक है, क्वालिटी शीर्षक जो है वो अच्छी क्वालिटी के जूतों के बारे में जो मिस्टर गेसलर बनाते थे। इट इज एन आइडियल टाइटल फॉर द लेसन, ये बिल्कुल अनुकूल है, ये जो शीर्षक है लेसन का टॉपिक का जो नाम है वो बिल्कुल आइडियल है यानी अनुकूल है इस लेसन के लिए। इट रेफर्स टू द बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलोड दीज डेज वेयर नो वन केयर्स अबाउट क्वालिटी, ये जो लेसन है ये चैप्टर है ये आजकल जो बिजनेस यानी व्यापार के तरीके हैं उनके बारे में बात करता है, जहाँ पर कोई भी क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा, यानी गुणवत्ता के ऊपर, यानी अच्छा सामान देने के लिए लोग या व्यापार ज़्यादा जोर नहीं दे रहे उसके ऊपर है। फॉर मिस्टर गेसलर क्वालिटी वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मिस्टर गेसलर थे जूते बनाने वाले उनके लिए क्वालिटी यानी जो अच्छा सामान देना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ही वर्कड फॉर लॉन्ग आवर्स डिड नॉट अलाउ एनी वन एल्स टच हिज बूट्स, वो बहुत लंबे लंबे दिनों में बहुत बहुत देर देर तक काम करते थे और वो अपने आप जूते बनाते थे और किसी को अपने बनाए हुए जूतों को हाथ नहीं लगाने देते थे या किसी और से जूते नहीं बनवाते थे। ही लॉस्ट ऑन बिजनेस एंड ही वॉज स्पेंडिंग डेज इन पॉवर्टी, स्टिल ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, उनका वो जो व्यापार था वो खराब हो गया था, व्यापार कम चल रहा था और उनके जो गरीबी के हालात थे, जो दिन उनके बीत रहे थे गरीबी में बीत रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यानी क्वालिटी खराब नहीं होने दी अपने शूज की। तो ये सिग्निफिकेंस है इस टॉपिक की और ये इस टॉपिक में बताया गया है लेसन में। क्वेश्चन थ्री है स्पीकिंग पोर्शन में ही, नोटिस द वे मिस्टर गेसलर स्पीक्स इंग्लिश, क्या आपने ध्यान दिया कि मिस्टर गेसलर अंग्रेजी कैसे बोलते थे। हिज इंग्लिश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मदर टंग, जो उनकी अंग्रेजी जब वो बोलते थे तो उसमें प्रभाव होता था उनकी जो मदर टंग है यानी मातृभाषा जर्मन जो लैंग्वेज थी जहाँ से वो बिलोंग करते थे, तो उस जर्मन लैंग्वेज का उनकी बोली पर इंग्लिश की बोली पर प्रभाव पड़ता था। ही स्पीक्स इंग्लिश विद एन एक्सेंट,
वो जब अंग्रेजी बोलते थे तो वो एक अलग किस्म का, उनकी भाषा के ऊपर थोड़ा सा, तो जर्मन भाषा के अंदाज में वो इंग्लिश बोलते थे। एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण, तो जर्मनी भाषा में की तरह से उसका अंग्रेजी का कुछ शब्दों का उच्चारण करते थे, जैसे कि व्हेन मिस्टर गेस्लर स्पीक्स पी टी के, पी टी या के जब वो बोलते थे तो उनकी आवाज ऐसी आती थी, बी ड, जैसे पी की आवाज आती थी बू, प बोलते थे तो ब सुनाई देता था, ट बोलते थे तो ड सुनाई देता था, क बोलते थे तो ग सुनाई देता था। कैन यू से दीज वर्ड्स एज मिस्टर गेस्लर वुड से देम, इट कम्स एंड नेवर स्टॉप्स, डज इट बॉदर मी, नॉट एट ऑल, आस्क माई ब्रदर प्लीज। तो ये जो मिस्टर गेस्लर बोल रहे थे ये इंग्लिश में लिखा है, लेकिन जैसे मिस्टर गेस्लर बोलते हैं क्या हम भी उसको उसी तरह से बोल सकते हैं? तो इट अगर बोलेंगे तो इड की आवाज आएगी, इड गम्स, एंड नेवर स्टॉप्स, डज इड बॉदर मी, नॉट एट ऑल, आस्क माय ब्रदर प्लीज। तो इस तरह से बोलते थे, तो हमने लिख रखा है ये, डज इड बॉर्डर मी, मिस्टर गेस्लर वुड से इट कम्स एंड नेवर स्टॉप्स, डज इड बॉर्डर मी, नॉट एट ऑल, आस्क माय ब्रदर प्लीज। तो इस तरह से मिस्टर गेस्लर जर्मन एक्सेंट के साथ, यानी जर्मन शैली के साथ इंग्लिश को बोलते थे। एक क्वेश्चन फोर है, स्पीक टू 5 adults इन योर नेबरहुड। तो आपके घर के आसपास 5 लोगों से आप, जो बड़े लोग हैं, वयस्क बोलते हैं एडल्ट को, उनसे मिलें और उनसे बात करें। स्पीक टू देम, आस्क देम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछें इन एनी लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल इन, जिस भाषा में वो कंफर्टेबल हो उसी भाषा में आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछें। देन कम बैक एंड शेयर योर फाइंडिंग्स विद द क्लास। अब क्वेश्चन क्या पूछने हैं, वो ये पूछने हैं, और जब आप क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप क्लास में अपनी जो आपने पता लगाया क्वेश्चन पूछ करके उसके बारे में आप अपनी क्लास को बताएं। तो क्वेश्चन क्या पूछने हैं, पहला क्वेश्चन है, डू दे बाय देयर प्रोविजंस पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स पैकेट्स एट अ बिग स्टोर और लूज फ्रॉम अ स्मॉल स्टोर नियर देयर हाउस। क्या वो अपना जो सामान खरीदते हैं रोजमर्रा का सामान, या अपने घर के आसपास छोटे दुकानदारों से लूज खरीदते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डू दे बाय देयर फुटवेयर, यानी वो अपने जूते कहाँ से खरीदते हैं? डू दे बाय ब्रांडेड फुटवेयर और फुटवेयर मेड लोकली। क्या वो ब्रांडेड बड़ी कंपनियों के जूते पहनते हैं, खरीदते हैं, या जो उनके आसपास बन रहे जूते होते हैं, लोकली बने हुए जूते होते हैं, वो खरीदते हैं? व्हाट रीजन डू दे हैव फॉर देयर प्रेफरेंस, वो जो भी उनकी प्रेफरेंस है उसके लिए क्या कारण वो बताते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, वो कहाँ से खरीदते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, जहाँ से वो खरीदते हैं वहाँ से क्यों खरीदते हैं? डू दे बाय रेडीमेड क्लोथ्स और बाय क्लॉथ एंड गेट देयर क्लोथ स्टिच्ड बाय अ टेलर। क्या वो रेडीमेड क्लॉथ्स खरीदते हैं, यानी बने बनाए कपड़े खरीदते हैं, या वो कपड़ा खरीद करके टेलर से बनवाते हैं अपने कपड़े? विच डू दे थिंक इज बेटर, उनको क्या लगता है कौन सी चीज बेटर है? तो ये आपने 3 क्वेश्चन पूछने हैं और इनका आंसर 5 लोगों से लेना है, और फिर उसको अपनी क्लास में आकर के उसकी फाइंडिंग्स डिस्कस करनी है। तो इसका आंसर है, यस दे प्रिफर बाइंग देयर प्रोविजन्स लूज फ्रॉम द स्मॉलर स्टोर नियर देयर हाउस। हाँ, वो अपना जो रोजमर्रा का सामान है वो अपने आसपास, घर के आसपास के छोटे स्टोरों से लेना उचित समझते हैं। दे बाय फुटवेयर, जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है फुटवेयर के बारे में, दे बाय फुटवेयर फॉर डेली पर्पस फ्रॉम लोकल शॉप्स। जो रोज पहनने के लिए जूते या चप्पल होते हैं वो लोकल शॉप से खरीदते हैं। फॉर ऑफिस एंड पार्ट पर्पस दे प्रिफर बाइंग इट फ्रॉम ब्रांडेड शॉप्स। और ऑफिस जाने के लिए या इस तरह के और कामों के लिए, जो बाहर जाने के काम होते हैं उसके लिए वो लोग
ब्रांडेड शॉप से ही जूते खरीदना पसंद करते हैं। दे डोंट लाइक स्पेंडिंग टू मच ऑन देयर रेगुलर फुटवेयर। उनको अपना जो घर में पहनने के लिए जूते होते हैं उस पर ज़्यादा पैसे खर्चना उचित नहीं लगता, सो दे बाई इट फ्रॉम लोकल शॉप। इसलिए वो लोग जो घर पहनने के जूते होते हैं, जूते चप्पल वो लोकल शॉप से खरीदते हैं, आसपास की दुकानों से। फॉर ऑफिस एंड पार्टी दे वॉन्ट टू लुक गुड एंड वॉन्ट द फुटवेयर टू लास्ट लॉन्ग एंड कंफर्टेबल। जो ऑफिस हैं और पार्टी वगैरह के लिए जो जूते खरीदना चाहते हैं, वो जूते ब्रांडेड शॉप से खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहते हैं और जूते ज़्यादा चलें और कंफर्टेबल भी हों, इसलिए वो ब्रांडेड शॉप से खरीदना चाहते हैं। सो दे आर फाइन स्पेंडिंग ऑन इट, इसलिए वो ज़्यादा पैसे भी खर्चना चाहेंगे उसके ऊपर। अब थर्ड क्वेश्चन है, दे डू द बोथ, यानी वो रेडीमेड क्लॉथ खरीदते हैं कि स्टिच क्लॉथ खरीदते हैं। तो वो दोनों तरह से करते हैं, कभी रेडीमेड खरीदते हैं, एट टाइम्स दे बाय रेडीमेड क्लॉथ्स एंड एट टाइम्स दे गेट देम स्टिच फ्रॉम द टेलर। कभी वो रेडीमेड कपड़े भी खरीदते हैं, कभी वो टेलर से भी स्टिच करा लेते हैं। दे फाइंड इट ईजी टू बाय रेडीमेड क्लॉथ्स, उन्हें आसान लगता है रेडीमेड क्लॉथ खरीदना। दे गेट द लेटेस्ट फैशन एंड इट सेव टाइम एज वेल। और उन्हें जो जब रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं तो उन्हें एक तो लेटेस्ट फैशन के कपड़े मिल जाते हैं, बिल्कुल नए फैशन के कपड़े मिल जाते हैं, और दूसरा उनको टाइम भी बचता है जब वो रेडीमेड क्लॉथ खरीदते हैं। क्वेश्चन 5 है, लुक एट द पिक्चर, लेट पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर अबाउट लीविंग द कंट्री। ये पिक्चर में जो लिखा है वो लिखा है, आई हैव डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। ये अजीत है, एक लड़का है जो बोल रहा है कि मैं उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर विदेश जाने की का डिसीजन लिया है, का सोचा है। तो अनीसा बोलती हैव यू, आई डोंट थिंक आई विल एवर डू दैट, आई लव माई कंट्री। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ऐसा कर सकूंगी क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है। तो लेट पेयर ऑफ स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर, जो बच्चे हैं आपस में, उन्हें दो दो बच्चों को आपस में बात करवाओ, और इसी बारे में कि वो अपने देश, एक बोलेगा मैं देश छोड़ना चाहता हूँ, दूसरा उसका रीज़न देगा कि वो देश क्यों नहीं छोड़ना चाहता। वन स्टूडेंट रिपीट्स अजीत स्टेटमेंट एंड दी अदर गिव्स अ रीज़न फॉर नॉट एग्रीइंग विद अजीत। यानी एक बच्चा बोलेगा कि मैं देश छोड़ना चाहता हूँ, जो अजीत बोल रहा है, मैं देश से बाहर जाना चाहता हूँ, और दूसरा बच्चा उसके रीज़न देगा कि वो ऐसा क्यों नहीं करना चाहता। तो इसमें ये 5-6 सेंटेंसेस दिए हैं, 7 ये सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो आइए हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। इफ़ आई लीव दिस कंट्री आई विल मिस, तो इस तरह से ये हैं क्वेश्चन। चलिए इनके आंसर भी देख लेते हैं। इफ़ आई लीव दिस कंट्री आई विल मिस माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी मैं अपने मित्रों और मेरी फैमिली को मिस करूँगा। देर आर सम थिंग्स विच यू कैन गेट ओनली हेयर, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें आपको यहीं मिल सकती हैं, जैसे कि द फूड स्नैक्स एंड द केयर एंड कंसर्न ऑफ पीपल अराउंड, यानी कि जो खाना है, स्नैक्स हैं, और जो हमारे आसपास लोग हैं वो हमें से कितना प्यार करते हैं और हमारे बारे में कितना सोचते हैं, वो यहीं पर मिल सकता है। अगला एक और लड़का बोलता है, देर आर सम स्पेशल डेज आई विल मिस, पर्टिकुलरली द फेस्टिवल बर्थडेज एंड माई पेरेंट्स एनिवर्सरीज। कुछ स्पेशल डेज मैं हमेशा मिस करूँगा अगर मैं बाहर गया तो, वो है त्यौहार, बर्थडे, जन्मदिन और मेरे पिताजी की जो शादी की सालगिरह है वो। मोस्ट ऑफ ऑल आई विल मिस माई सिस्टर बिकॉज वी हैव बीन वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड आई कॉन्ट लिव विदाउट हर। मेरे को सबसे ज़्यादा अपनी सिस्टर, मैं उसको मिस करूँगा अगर मैं बाहर गया तो, क्योंकि हम बहुत एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, अपनी सिस्टर के बगैर। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू लीव माई कंट्री बिकॉज, मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरे देश को छोड़ना बहुत नामुमकिन है। आई लव माई कंट्री एंड फैमिली टू मच एंड कांट गो टू टू फार फ्रॉम देम। मेरे को मेरे देश से और मेरी फैमिली से बहुत प्यार है और मैं उनसे ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट है, हाउ कैन यू लीव योर ओन कंट्री एक्सेप्ट व्हेन देर इज एन इमरजेंसी। आप अपना देश कैसे छोड़ सकते हो जब तक कोई इमरजेंसी ना हो।
यानी आपात स्थिति ना हो। इमरजेंसी का मतलब होता है आपात स्थिति, मतलब कुछ बुरा, कुछ जरूरी ही, बहुत जरूरी ही जाना पड़े तो जाएगा, वरना नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बच्चा बोलता है, डिपेंड्स ऑन वंस इंटेंशन, वन कैन नॉट लीव फॉर गुड बिकॉज आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट ऑल माई स्पेशल मोमेंट्स विद माई क्लोज वंस। तो एक और बोलता है, डिपेंड्स ऑन वंस, कोई क्या सोचता है उसके बारे में है, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट ऑल माई स्पेशल मोमेंट्स विद ऑल माई क्लोज वंस, मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपने जो स्पेशल मोमेंट होते हैं, मेरे जो खुशी के क्षण होते हैं, वो मैं अपने जो मेरे करीबी लोग हैं उनके साथ बिताना चाहता हूँ। मे बी फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स आई थिंक इट शुड बी फाइन, यानी कुछ सालों के लिए, अगर 1-2 सालों के लिए जाना हो पड़े तो मुझे लगता है जाया जा सकता है। तो ये इनके आंसर्स हैं, और हमने फिल इन द ब्लैंक्स को अंडरलाइन किया हुआ है ज़्यादातर को, सिर्फ इसको छोड़ करके, ये गलती से रह गया था। ये राइटिंग के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, राइटिंग के ऊपर बेस्ड है, जो कि एनसीईआरटी बुक में है। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट अ स्टोरी, ये नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं, इनके ऊपर बेस करके एक स्टोरी लिखने को बोला गया है। योर आंट हैज़ गॉन टू हर मदर्स हाउस, जो आपकी मौसी हैं वो अपनी माता जी के घर गई हैं। योर अंकल डज हिज कुकिंग, जो आपके मौसा जी हैं वो खुद खाना पकाते हैं। थर्ड है, ही इज एबसेंट माइंडेड, वो भूल जाते हैं या भुलक्कड़ हैं या खोए खोए रहते हैं। ही पुट्स वेजिटेबल ऑन द स्टोव, वो जो गैस चूल्हा है उस पर सब्जी चढ़ाते हैं। ही बिगिन्स टू क्लीन हिज बाइसाइकिल आउटसाइड, और फिर वो जाकर के अपनी साइकिल साफ करने लग जाते हैं बाहर। द नेबर कॉल्स आउट सेइंग समथिंग इज बर्निंग, जो उनके नेबर हैं यानी पड़ोसी हैं, वो उनको बताते हैं जोर से बोल करके कि कुछ जल रहा है आपके घर में। तो योर अंकल रशेस टू द किचन, तो आपके जो मौसा जी हैं वो किचन में दौड़ते दौड़ते आते हैं। टू सेव वेजिटेबल्स ही पुट्स सम ऑयल इन देम, तो वेजिटेबल को बचाने के लिए, जो सब्जी है उसको जलने से बचाने के लिए, वो उसमें थोड़ा तेल डाल देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इट्स मशीन ऑयल नॉट कुकिंग ऑयल, तो जो वो तेल डालते हैं वो होता है कुकिंग का ऑयल नहीं है, खाना बनाने का ऑयल नहीं है, लेकिन वो मशीन में डालने वाला ऑयल होता है। व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू द वेजिटेबल, आपको क्या लगता है कि सब्जियों को, सब्जी को क्या हुआ होगा जो उन्होंने, जिसमें मशीन का तेल डाल दिया है। तो ये इसके ऊपर, इन सेंटेंसेस से आपको एक स्टोरी बनानी है, वो स्टोरी क्या है आइए देखते हैं। लास्ट मंथ माई आंट डिसाइडेड टू विजिट हर पेरेंट्स, मेरी मौसी जी पिछले महीने उन्होंने सोचा कि वो अपने पेरेंट्स को विजिट करें, यानी अपने माता पिता के घर जाएं। दे लिव इन सम अदर सिटी, वो दूसरी सिटी में रहते हैं। इन एब्सेंस ऑफ माई आंट माई अंकल हैड टू डू ऑल द कुकिंग, जब मेरी मौसी घर पर नहीं थी तो मेरे मौसा जी सारी कुकिंग करते थे, यानी खाना बनाते थे। ही इज़ वेरी फॉरगेटफुल एंड एब्सेंट माइंडेड, वो थोड़े भुलक्कड़ हैं और खो जाते हैं। वन डे ही पुट्स वेजिटेबल ऑन द स्टोव फॉर कुकिंग एंड एट द सेम टाइम ही गोज आउट क्लीन हिज बाइसाइकिल टू क्लीन हिज बाइसाइकिल, एक दिन वो सब्जी को चूल्हे पे चढ़ा करके खाना बनाने के लिए और सीधे ही बाहर जा करके अपनी साइकिल साफ करने लग जाते हैं। माई अंकल गॉट इन्वॉल्व इन क्लीनिंग हिज बाइसाइकिल सो मच दैट ही कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट द वेजिटेबल्स ही हैड केप्ट ऑन द स्टोव, तो वो जो मौसा जी हैं वो अपनी बाइसिकल साफ करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो स्टोव पर, चूल्हे पर वेजिटेबल यानी सब्जी चढ़ा के आए हैं। वन ऑफ हिज नेबर केम टू हिज प्लेस हरिडली टेलिंग अबाउट सम बर्निंग स्मेल कमिंग फ्रॉम हिज किचन, उनके एक पड़ोसी दौड़ते दौड़ते उनके पास आए और उनको बोला कि आपके किचन में कुछ जल रहा है। माई अंकल रिमेंबर्ड अबाउट द वेजिटेबल ही हैड केप्ट ऑन स्टोव फॉर कुकिंग, तो मेरे अंकल, मेरे मौसा जी को ध्यान आया कि उन्होंने जो है सब्जी चूल्हे पर चढ़ाई थी पकने के लिए। ही रश टू द किचन एंड टू सेव देम फ्रॉम गेटिंग बर्न ही पोर्ड सम ऑयल ओवर देम इमीडिएटली, वो दौड़ते दौड़ते किचन में आए और सब्जियों को जलने से बचाने के लिए उन्होंने उसमें थोड़ा तेल डाल दिया। इमीडिएटली ऑन ओनली एट दैट टाइम ऑफ ईटिंग द ही रियलाइज इट वॉज नॉट कुकिंग ऑयल बट मशीन ऑयल,
जब खाना बन गया और वो जब खाने लगे उस समय उनको महसूस हुआ कि उन्होंने सब्जियों में कुकिंग ऑयल की जगह यानी खाना बनाने के तेल की जगह मशीन का तेल डाल दिया, मशीन ऑयल डाल दिया। द वेजिटेबल्स वर कम्प्लीटली स्पॉइल्ड एंड माई अंकल हैड टू थ्रो देम अवे। जो सब्जी थी वो पूरी पूरी खराब हो गई क्योंकि उन्होंने उसमें मशीन का तेल डाल दिया, और इसलिए जो अंकल थे मेरे मौसा जी थे उनको सब्जी को फेंकना पड़ा। तो ये है स्टोरी जो कि ये इन सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड थी जो हमने ये सेंटेंस हमें बुक में दिए गए थे। आई होप ये क्वेश्चन आंसर आप